हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपके जीवन में वो सभी खुशियां लाए जिसको आपने सोच रखा है, कल्पना कर रखी है, यह प्रभु से रोज़ मांगते हैं। मेरी यही परमेश्वर से दुआ है कि आप उनको, प्रभु आपके जीवन में खुशियों का भंडार भरे। जीवन में सबके कष्ट हैं, परेशानियां सबके हैं। ऐसा कोई व्यक्ति अछूता नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां या कष्टों का सामना ना हो। ये बात अलग है कि कुछ लोगों के जीवन में कम है तो किसी के जीवन में ज़्यादा है। किसी को सुख का अनुभव ज़्यादा हो रहा है तो किसी को दुख का अनुभव बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मजबूरी है, हमें शेयर करना है उन चीज़ों को जो ईश्वर ने हमारे लिए प्रदान किए, क्योंकि ये सब प्रारब्ध से जुड़ा होता है। हो सकता है इस समय आपके कर्म, आपका सब कुछ अच्छा हो, आप एक नेक दिल इंसान हो, अच्छे हो, पूजा पाठ वाले हो, धर्म कर्म वाले हो, दान करने वाले हो, उसके बावजूद भी आपका समय सही नहीं है, तो उसकी वजह क्या है। हो सकता है आपका प्रारब्ध खराब, प्रारब्ध में किए गए कर्मों का फल हमें इसी मनुष्य को मिलता है। हाँ, ये अवश्य है कि जो आप कार्य करते जा रहे हैं, ईश्वर में आपका ध्यान है, दान में आपका ध्यान है, गरीबों का आप हित में लगे हुए हैं, है ना, लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का पूरा मान सम्मान दे रहे हैं, तो निश्चित यह है कि उन दुखों का अनुभव आपको कम होगा। होगा तो अवश्य, कोई भुगतना तो है ही। लेकिन हम आपको एक इतनी सुंदर बजरंग बाण की, हनुमान बाबा की, श्री बजरंग बाण के हम सिर्फ दो चपाई अगर आप नित्य 7 बार पढ़ते हैं तो हनुमान बाबा का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, यह चपाई है, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दोरी महासुख दीजिए। इन चौपाई को आपको 7 बार मन से प्रभु हनुमान बाबा के सामने आसन लगाकर बैठ करके और नित्य आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, कुछ ही दिनों में आपकी सारी बाधाएं, विघ्न, क्लेश कटते हुए नजर आएंगे और जिन कामों में आपके बनती हुए कार्यों में बाधा पड़ रही है, उन बाधाओं को भी आपको मुक्ति मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद।